वेलकम टू संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारा स्टैंडर्ड थर्ड का जनरल नॉलेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका है हमारा चैप्टर नंबर 9, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स। चलिए कुछ पाश्चात्य नृत्यों के बारे में जानते हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। डांस इज एन आर्ट, डांस क्या एक कला है दैट इन्वॉल्व्स रिदमिक मूवमेंट्स टू द म्यूजिक। डांस किसके ऊपर होता है, जो रिदम्स बजती है यानी म्यूजिक में जो बीट्स बजती है उसके ऊपर होता है। जस्ट लाइक देयर आर इंडियन स्टाइल ऑफ डांस, जैसे इंडियन स्टाइल में कथक और भरतनाट्यम होते हैं, वैसे वेस्टर्न डांसेस में भी बहुत सारे डांस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। चलिए जानते हैं कुछ उनके बारे में। आई एम ऑफन रेफर्ड टू एज स्ट्रीट डांस, ये ज्यादातर कब रेफर किया जाता है कि सड़क पे डांस करते हैं तब स्ट्रीट डांसर बोलते हैं जो डांस करते हैं उनको, और ये स्ट्रीट पे होता है, सड़कों पे होता है। आई इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स लाइक ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग। इसमें ब्रेकिंग, लॉकिंग और पॉपिंग जैसी बहुत सारी स्टाइल्स होती है। आई वॉज वेरी पॉपुलर इन US ड्यूरिंग 1970 के समय में US में ये बहुत ही पॉपुलर था। इस डांस फॉर्म का क्या नाम है, हिप हॉप। सेकेंड है रुम्बा डांस, चलिए जानते हैं इसके बारे में। माई नेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड रुम्बा बियर, इसका नाम कहाँ से मिला, रम बियर से मिला, विच मीन्स गोइंग टू द पार्टीज डांसिंग एंड एंजॉयिंग योरसेल्फ। जिसका नाम मतलब क्या होता है कि पार्टीज में जाना, डांस करना और एंजॉय करना खुद में ही। आई एम ऑफन रेफर्ड एज द ग्रैंड फादर ऑफ द लैटिन डांसेस, ये कब कैसे रेफर किया जाता है, लैटिन डांसेस के ग्रैंड फादर के तौर पर। इसका नाम क्या है, रुम्बा डांस। अगला वाला है बैलेट। आई वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली ओवर 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले इटली से इस डांस की, बैलेट डांस की शुरुआत हुई थी। फीमेल डांसर्स वेयर स्कर्ट कॉल्ड ए टूटू, फीमेल डांसर्स जो स्कर्ट पहनती है उसे टूटू कहा जाता था। वेयर मैन वेयर्स लियोटार्ड्स, और मैन क्या पहनते थे, लियोटार्ड्स। डांसर्स वेयर स्पेशल पॉइंट शूज, जो डांसर्स होते हैं वो एक स्पेशल पॉइंटेड वाले शू पहनते हैं टू डांस देयर टोज, वो अपने टोज के ऊपर डांस करते हैं। इस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं, बैलेट डांस। अगला है जैज। आई एम ए मिक्स ऑफ अफ्रीकन एंड यूरोपियन डांस ट्रेडिशन, ये अफ्रीकन और यूरोपियन डांस ट्रेडिशन को मिक्स करके बनाया गया जैज डांस फॉर्म है। आई डेवलप्ड इन अमेरिका ड्यूरिंग अर्ली 1900s, 1900 की सदी में ये अमेरिका में क्या बोलते हैं इसका शुरुआत हुई थी, डेवलप होना शुरू हुआ था। आई एम कंसिडर्ड टू बी अ कजन टू टैप एंड म्यूजिकल थ्रीट डांसेस, इस डांस को टैप डांस और जो म्यूजिकल थिएटर में जो डांस होते हैं उनका कजन कहा जाता है। ये कौन सा डांस है, जैज डांस। अगला डांस है चाचा चा, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। आई एम अ डांस फ्रॉम दैट ओरिजिनेटेड इन क्यूबा, ये कहाँ से शुरुआत हुई, क्यूबा से। आई वॉज डांस टू द म्यूजिक ऑफ क्यूबन कंपोजर, ये किसके ऊपर डांस किया जाता है, जो क्यूबन कंपोजर का जो म्यूजिक है जिन्होंने बनाया है, एंड द वॉलिस्ट एनक्रोइन जॉरिन जिनका नाम था। व्हेन डांसिंग द बीट गोस 2-3 चाचा चा, तो डांसिंग बीट इसकी कैसे चलती है, 2-3 चाचा चा, तो इस डांस का नाम क्या है, चाचा। अगला है आई एम अ नेशनल डांस ऑफ डोमिनेशन रिपब्लिक, ये नेशनल डांस है डोमिनेशन रिपब्लिक का। माई नेम इज वेरी सिमिलर टू द पेस्ट्री मैनक्यूराइन, इसका सिमिलर नेम है कैसे है, पेस्ट्री मैरिन क्यू से बाई स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देखे तो। आई एम कंसिडर्ड ए सिस्टर टू अनदर लैटिन डांस फॉर्म कॉल्ड साल्सा, इसको बोला जाता तो साल्सा की बहन माना जाता है जो दूसरा लैटिन डांस है, इसका नाम क्या है, मैरिन क्यू। अगला है हमारा हुल्ला डांस। हुल्ला डांसिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज ए टाइप ऑफ प्रेयर, हुल्ला डांस क्या है, एक टाइप की प्रेयर है। हवाईयन पीपल टोल्ड स्टोरीज थ्रू स्केर्ड सॉन्ग्स और चैंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम डाउन, जो यहाँ के लोग होते हैं, हवाई पीपल होते हैं, वो स्टोरीज वगैरह लिखने के बजाय अपने डांस फॉर्म से उसको दर्शाते हैं। दीज चैंट्स बिकेम द बीट्स ऑफ हुल्ला डांस, जो ये चैंट्स क्या करते हैं, हुल्ला डांस के बीट्स के ऊपर ये परफॉर्म करते हैं। नाउ कम टू अवर स्क्रैप बुक, यहाँ पे आपको माइकल जैक्सन एक पॉप सिंगर है उसके बारे में आपको लिखना है। वॉज वेल नोन फॉर हिज डांसिंग स्किल्स, जो अपने डांसिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है। फाइंड आउट अबाउट डांसिंग स्टाइल्स ही परफॉर्म्ड, उसके कुछ डांसिंग स्टाइल्स के बारे में आप लिखिए आप जो उसने परफॉर्म किए थे, और उसके बारे में शॉर्ट नोट लिख लिए माइकल जैक्सन कौन था, उसने कैसे डांसिंग परफॉर्म किया उसके बारे में लिखनी है, और कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके आपको यहाँ लगानी है। ये वर्क आपको होमवर्क में कम्प्लीट करना है। चलिए अगला हमारा चैप्टर है फेमस फोक टेल्स, चलिए कुछ जानते हैं कुछ दंत कथाओं के बारे में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में।
आई एम ए चिल्ड्रंस स्टोरी इन विच अ ट्रैवलर रिच इज द लैंड ऑफ लिलीपुट, कि ये एक बच्चों की स्टोरी है जिसमें एक ट्रैवलर था, वो कहाँ पे पहुंचा, लिलीपुट में पहुंचा। देयर ही मीट्स मिनिएचर पीपल कॉल्ड लिलीपुटियंस, वो बहुत सारे छोटे छोटे लोगों से मिला जिन्हें लिलीपुटियंस कहा जाता है। ही हेल्प्स देम विन ए बैटल अगेंस्ट देयर एनिमीज, उन सबकी सहायता की, किसकी, जो लिलीपुटियंस थी, बैटल अगेंस्ट देयर एनिमीज, जो अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस स्टोरी का नाम क्या है, यानी इस फोक टेल का नाम क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये जो बहन है इसका नाम था गुलिवर। अगली स्टोरी तो आपको देखते ही पता चल रही होगी किसकी थी, जैसे कि इसमें किसकी स्टोरी दिख रही है, चाचा चौधरी। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, चाचा चौधरी और साबू। लेकिन ये किस कहानी से रिलेटेड है, ये थी पंचतंत्र की कहानियां। किसके रिलेटेड थी, पंचतंत्र की कहानियों से रिलेटेड थी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आई एम ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम इंडिया। इंडिया में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज से ये लिया गया है पूरा कलेक्शन। आई एम मोस्टली अबाउट एनिमल्स, जो ज्यादातर एनिमल्स के बारे में होती है। आई वॉज रिटन बाई ए स्कॉलर नेम विष्णु शर्मा, ये किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा के द्वारा, एलॉन्ग विद अदर्स, और साथ में दूसरे लोगों के साथ। आई टीच 5 मोरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम विच आई गेट माई नेम, ये 5 मोरल प्रिंसिपल्स यानी कि 5 इसके मुख्य सिद्धांत थे जो सिखाते थे, इसी के कारण इसका नाम पड़ा पंचतंत्र। अगला क्या है, ग्रिम्स फेरी टेल। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। वी आर फेमस फेरी टेल्स रिटन बाय ब्रदर्स जैकॉब एंड विलम फ्रॉम जर्मनी, ये दो भाइयों के द्वारा लिखी गई थी, जैकॉब एंड विलहेम, जो दोनों जर्मनी के रहने वाले थे। वी वर फर्स्ट पब्लिश्ड ए बुक कॉल्ड चिल्ड्रंस एंड हाउसहोल्ड टेल्स, इन्होंने पहली बार एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था चिल्ड्रंस एंड हाउसहोल्ड टेल इन 1812 में, जिसका नाम क्या था, ग्रिम्स फेरी टेल। ये जैकॉब ग्रिम्स और ये विलहेम ग्रिम्स, ये इसको देखने से तो आपको पता ही चलता है ये किसकी स्टोरी थी, मोगले की। तो इस बुक का नाम क्या था, द जंगल बुक। आइए मैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी, उनकी एक स्टोरीज में से ये एक है। दिस स्टोरीज आर अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल बॉय मोगली, जो कि लिटिल बॉय मोगली के एडवेंचर से भरी है। वो वॉज रेस्ड बाय वॉल्स इन द जंगल एंड वॉज फ्रेंड्स विद अदर एनिमल एज वेल, जो कि वॉल्स के द्वारा पाला गया, उनके साथ रहता था और बहुत सारे दूसरे जानवर भी उसके दोस्त थे। तो ये कौन सी स्टोरी थी, क्या नाम था इस फोक टेल का, द जंगल बुक। अगली वाली देखिए, ये चूहे हैं और ये, तो ये चूहे वाली कौन सी स्टोरी है, जो एक चूहे को सबको अपने पीछे पीछे ले जाता है, ये थी पेड पाइपर की स्टोरी। ये क्या है, द पेड पाइपर ऑफ हैमलिन। हैमलिन में क्या था, चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा था, तो एक पेड पाइपर आया जिसने अपनी बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन में सब चूहे उसके पीछे पीछे चले गए। इन माई स्टोरी ए टाउन इज ओवर रन विद रैट्स, इस स्टोरी में बताया, क्या बताया गया था कि एक टाउन में बहुत सारे चूहे हो गए थे, बहुत ज्यादा भागदौड़ हो गई थी। ए मेन प्लेस इज पाइप एंड ट्रैप डेमन केव, एक आदमी ने अपना पाइप बजाया और उनको एक गुफा में बंद कर दिया। व्हेन द मेयर रिफ्यूजेस टू पे फॉर हिज सर्विसेज ही किडनैप्स द टाउन चिल्ड्रंस बाय प्लेइंग द पाइप, कि जब मेयर ने, वहां के मेयर ने उसको सर्विसेज के लिए, मतलब उसने क्या किया, चूहों से बचाया, लेकिन वहां के मेयर ने क्या किया, उसको कोई भी इनाम वगैरह नहीं दिया, तो उसने क्या किया कि अपनी वो पाइप बजा के, यानी कि बांसुरी बजा के वहां के बच्चों को किडनैप कर लिया। तो ये स्टोरी किसकी थी, द पेड पाइपर ऑफ हैमलिन। चलिए अगला पढ़ते हैं। वी आर वेरी ओल्ड स्टोरीज ऑफ विजडम एंड मोरल्स रिटन इन एंशियंट लैंग्वेज, विजडम और मोरल्स के ऊपर लिखी गई एक स्टोरी है जो एंशियंट लैंग्वेज में, यानी पुरानी भाषाओं में लिखी गई है, जिसे हम पाली बोलते हैं, पाली लैंग्वेज। द स्टोरीज आर मेनली अबाउट द मोरल टीचिंग्स, जिसमें हम मोरल टीचिंग्स बताई गई है, इसको सीख बताई गई है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, मंकी और क्रोकोडाइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वी आर, इसको क्या बोलते हैं, जटाका टेल्स, क्या बोलते हैं, जटाका टेल्स। ये देखिए अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज, द अरेबियन नाइट्स इज द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फ्रॉम पर्शियन अरेबिया इंडिया एंड इजिप्ट, इन स्टोरीज का कलेक्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज द थाउजेंड्स ऑफ नाइट्स, इसको थाउजेंड नाइट्स भी कहा जाता है। दिस स्टोरीज हैव कैरेक्टर्स लाइक अलीबाबा, अलादीन एंड सिंदबाद द सेलर, इस टाइप के ये कैरेक्टर्स थे स्टोरी में।
Now come to our scrapbook, write a book report on a fairy tale that you have read. आपने जो भी बुक कोई पढ़ी है, कोई ऐसी फेरी टेल के बारे में पढ़ा है, फोक टेल के बारे में, या इस यहाँ फेरी टेल दिया है या फोक टेल, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, जिस स्टोरी के बारे में आपने पढ़ा है उसका टाइटल लिखना है, कि उसका नाम, उस स्टोरी का उसका राइटर कौन था, उसमें मैजिक था, प्लॉट था, क्या था उसमें, ओपनिंग सेंटेंस लिखना है कि शुरुआत कैसे हुई, अच्छे कैरेक्टर कौन थे, बैड कैरेक्टर कौन थे, प्रॉब्लम क्या थी और हैप्पी एंडिंग कैसे हुई और आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन था, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है. ओके, ये वर्क आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. थैंक यू.